नमस्कार, हर जिंदगी रूबरू के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा मामगैन और मैं आपको अप क्लोज एंड पर्सनल यानी रूबरू करवाती हूं कुछ ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी से जिनकी जिंदगी, जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, चॉइसेस और काम उन्हें एक मिसाल यानी इंस्पिरेशन बना के सामने लाए हैं। आज के इस अंक में मिलिए मंजरी चतुर्वेदी जी से। मंजरी चतुर्वेदी एक गुरु हैं, एक डांसर हैं, एक सूफी हैं और अपने काम के ज़रिए इन्होंने क्लासिकल डांस और आर्ट फॉर्म को एक नया मुकाम दिया है। मंजरी जी, मैंने आपको कई नामों से बुलाया, गुरु, सूफी, डांसर, इन नामों में से किससे आप सबसे ज़्यादा इत्तेफाक रखती हैं, किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अपने आप को रिलेट करती हैं? मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हूँ फेमिनिटी से। जो फेमिनिटी है वो हमारे एक वजूद में का हिस्सा है और कहीं ना कहीं वो मेरे काम में हमेशा दिखती है, लोगों को नज़र आती है, क्योंकि वहीं से एक ऐसी सोच उपजती है जो आप जिसको कह रही हैं चैलेंज करती है, पर मैं कहती हूँ कि वो अपना एक वजूद का एहसास दिलाती है। मंजरी जी, आप एक ट्रेंड क्लासिकल कथक डांसर हैं, लेकिन आपने कथक में एक नया आयाम सूफीज्म को भी पिरोया है, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी तक जो हमारे यहाँ भक्ति है वो ज़्यादातर नृत्य में सगुण भक्ति प्रधान है, तो उसमें क्या है कि जो आप जिस ईश की आप बात करेंगे उसका एक फॉर्म होता है। डांसर ने अगर बांसुरी लगाई तो आप समझ जाएंगे कृष्ण की कहानी सुनाने जा रही है। तो ये जो एक सगुण भक्ति का रूप है वो नृत्य में बहुत प्रचलित है और लोगों को उसकी आदत है। वहीं हमारे यहाँ भक्ति में एक और एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति जो है वो हमारे यहाँ म्यूज़िक ट्रेडिशंस में तो है, और अगर आप कहें तो फिर वही एक लेजेंड जो है वो सब कुछ तोड़ के अलग निकले, कुमार गंधर्व जी, जिन्होंने पूरा निर्गुण भक्ति का एक पूरा कहना चाहिए एक नया आयाम देकर उस संगीत को कहा। तो निर्गुण भक्ति हमारे यहाँ संगीत में थी पर नृत्य में नहीं थी, नृत्य में ज़्यादातर सगुण भक्ति ही प्रधान रहा। तो मेरा नृत्य जो है वो एक्चुअली निर्गुण भक्ति की बात करता है, वो बात करता है उस परमात्मा की जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, जो परब्रह्म है, जो वो आकार ले लेता है जो उसके इश्क में जो घूम रहा है, वो उसका जो रूप देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो भक्ति की एक लीन होने की सोच है वो भक्ति में लीन होने की सोच दोनों में सेम है। वो लीन जो भक्ति में लीन होने की प्रवृत्ति है जो आप किसी सगुण ब्रह्म के लिए करें वो यहाँ निर्गुण ब्रह्म के लिए है। तो उसमें बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आया। मैं काले लिबास में परफॉर्म करती हूँ, तो कई बार लोगों को ये होता था काले लिबास में बिना मेकअप के बाल खोलकर कैसे डांस होता है, पर जहाँ ज़रूरी है जब मैं बात कर रही हूँ कि आपको अगर उस आत्मा का नृत्य देखना है तो वो इस शरीर से परे है। प्योरिस्ट का रिएक्शन कैसा रहा जब कथक में आपने सूफी डाल दिया? देखिए, कोई भी नई चीज़ आती है उसके लिए कोई भी ओपन नहीं होता है, ये तो जाहिर बात है, क्योंकि उस चीज़ को लोग सोचने में समझने में वक्त लगता है। मैं मानती हूँ कि जो प्योरिस्ट की बात आप कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो एक दायरा बना के नहीं रखेंगे तो उस दायरे का सारा वजूद बिखर जाएगा। तो वो अपनी जगह कहीं पर सही हैं कि वो एक प्योरिस्ट का दायरा बना के रखते हैं और फिर लोगों को फोर्स करते हैं कि आप उस दायरे में रहिए, पर अब हमारा भी ये हक बनता है कि हम उस दायरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जगह बनाएं और अपना निकलें और हम उसके उस दायरे के पर है जिसको आज कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए थोड़ा सा तकरार जैसी होती है कि जहाँ पर उनको प्योरिस्ट को लगता है कि ये तो बहुत अलग जा रहे हैं। अच्छा, ऑडियंस का रिएक्शन कैसा रहा, एक्सेप्टेंस थी उस तरफ से?
ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया, मेरे हर शोज़ में बिल्कुल हाउसफुल आए और हर बार ये चीज़ कह कर गए, कुछ बार तो लोग ऐसे अनायास चीज़ें कह कर जाते कि आप नाच रही थी और पता है मैं तो चेयर पे बैठी थी पर मुझे लग रहा था कि मैं नाच रही हूँ। अब ये अपने बड़े इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। कई बार लोग आए और मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत रोई आपके कॉन्सर्ट में। अब कोई डांसर से देखिए, अगर कोई आके कहे कि मैं आपके कॉन्सर्ट में रोया तो वो डांसर को लगेगा अरे मैं तो नाच रही थी आप रोए, पर मैं वो चीज़ समझती हूँ। और उन्हें मुझसे ये भी बोलते हैं साथ में कि मेरे को कोई दुख नहीं है, पर मैं क्यों रोया मुझे नहीं मालूम, पर मैं 1 घंटे रोया। तो कहीं ना कहीं वो ओवरवेलमिंग इमोशन होता है। पर ये जो आप सूफी आयाम कथक में लेकर आई हैं उसका बैकग्राउंड क्या रहा, आपको ये कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला? सन 2000 में जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, जब हमारे पास ये व्हाट्सएप नहीं था, आप मेरी जितनी रिसर्च हुई है मेरी 1995 से और 2000 के बीच 5 साल हुई है, उस दौर में हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे। मुझे हर गूगल सर्च पे मुझे कुछ नहीं मिलता था, मुझे बहुत वक्त लगा, मैं हर बार लाइब्रेरी जाती थी। आज आपको ये हो कि वर्लिंग दरवेश कैसे नाचते हैं आपको अभी 1 सेकंड में मिल जाएगा, मुझे वो ढूंढने के लिए वीडियोस मंगाने पड़े दिल्ली से, मैं लखनऊ में रहती थी, और फिर जब वो वीडियोस आए तो VHS टेप लगा के देखे कि कैसा वीडियो है, उसमें लंबा प्रोसेस है। पर उसके लिए मैं सन 2000 में देखे सेंट्रल एशिया गई, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस समय वो कंट्रीज़ के मुझे स्पेलिंग भी नहीं मालूम थी अगर सच बताऊँ तो। और फिर वही गूगल नहीं था तो मेरे फादर ने मैप पे मुझे मार्क करके दिया कि तुम यहाँ यहाँ जा रहे हो, तो वहाँ गई, वहाँ के डांस और म्यूज़िक फॉर्म्स को स्टडी करा कि क्या चीज़ है, क्योंकि उसी तरफ से जिसको खुरासान कहते थे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सूफी थॉट आया, तो एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या वहाँ भी कुछ नृत्य और संगीत है। अच्छा मंजरी जी, शुरू से अगर शुरू करें तो मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके माँ बाप दोनों ही एकेडमिशियंस थे, और जैसे कहते हैं ना क्लासिकल घराना, ऐसे किसी घराने से आप ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, तो बताइए कि कैसे आपके क्लासिकल फील्ड में आना हुआ, और इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या मेहनत, क्या शिद्दत, क्या लगन रही बचपन से जो आज आप इस मुकाम पर पहुँची हैं। देखिए मेरे फादर IIT रुड़की के प्रोफेसर, जियोफिजिसिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, रूरल डेवलपमेंट पर काम करने वाले, वन ऑफ दोज पायनियर्स इन साइंस। उन्होंने मुझे भी एजुकेशन में, मैं अगर कहूँ तो डिग्री से मैं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ। अच्छा। मैंने MSc करा है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपने बात कही वही बात थी 20 साल पहले की, देखिए हम बात कर रहे हैं, उस समय नृत्य और संगीत एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन नहीं थे, रैंडम थे। तो उनके जहन में ये बात थी कि ये अपना पैसे कैसे कमाएंगी, नौकरी कहाँ मिलेगी, सो उनको ये था कि डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, तो डिग्री उन्होंने मुझे ज़रूर कराई इस वजह से। पर हाँ, मुझे कभी रोका नहीं। उस दौर में ज़्यादातर सब लोग या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी, मैं साइंस स्टूडेंट थी तो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करते थे, तो मेरी सारी फ्रेंड्स जो थी उन सब ने, किसी ने इंजीनियरिंग की कोचिंग करी, किसी ने मेडिकल की करी, कि हम लोग सब एंट्रेंस टेस्ट देंगे, तो सब लोग 1 साल ड्रॉप करते थे, ये एक बड़ा नॉर्म था उस समय। अब मैंने भी ड्रॉप करा, पर ना मुझे मेडिकल की तैयारी करनी थी ना इंजीनियरिंग की करनी थी, मैंने 1 साल ड्रॉप करा और मैं सिर्फ डांस कर रही थी। तो मैं सुबह 8 बजे कथक केंद्र जाती थी और मैं शाम को 6 बजे वापस आती थी, मैं पूरा दिन नाचती थी। और वो अगर अब मैं सोचूं तो कोई उनसे अगर ये पूछे, आप एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली में कोई जना ये पूछे कि आपकी बेटी क्या कर रही है, और आप कहें कि जी वो सुबह से शाम तक नाच रही है, या वो सुबह से शाम तक कवालों के साथ बैठी रहती है। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई सी कि वो 1 साल मेरा, जैसे कि बाकी लोगों ने अपने करियर बनाने के लिए फॉर्मेटिव ईयर करा, वो मेरा फॉर्मेटिव ईयर था, क्योंकि आज भी जितना रियाज मैंने तब करा, मेरे एड़ी से पूरी पूरी स्किन बाहर निकल आती थी क्योंकि छाले पड़ जाते थे। आप दिन भर नाचो तो भाई छाले पड़ जाते थे, पैर में इतना दर्द होता था कि रात में आके किसी ने बता दिया था कि वो नमक के पानी में पैर डालो और सरसों का तेल लगा के सो जाओ,
इतनी बदबू आती थी बट फिर भी वो करके सो जाते थे सिर्फ इसलिए कि कल सुबह फिर 8 बजे से नाचना है। तो आज के युवाओं को आप कहेंगे कि क्लासिकल आर्ट फॉर्म डांस या म्यूजिक एक ल्यूक्रेटिव करियर हो सकता है? ल्यूक्रेटिव तो नहीं है, देखिए अगर आप उसको कंपेयर करें तो देखिए मेरे बैच के जितने मेरे साथ के गर्ल्स और बॉयज़ जो लोग MBA में गए और आज CEOs बने बैठे हैं कहीं ना कहीं, वो डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो अगर हम उसको मोनेटाइजेशन से देखें तो वो कभी उस पैमाने पर नहीं उतरेगा जिसको कि हम अगर मोनेटाइजेशन का पैमाना माने, पर इसीलिए मैंने कहा कि वो वायरिंग ही अलग होती है। अगर जैसे मैं हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास अगर 5 साड़ी हैं तो मैं खुश हूँ, मेरे पास म्यूजिशंस पूरे होने चाहिए जो मुझे क्रिएटिवली चाहिए, वो मेरे पास किताबें पूरी होनी चाहिए तो मुझे मेरी वेल्थ वो है, मेरे पास डायमंड्स हैं कि नहीं है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे शो की आउटफिट पूरी होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप कलाकार की एक वायरिंग थोड़ी अलग होती है, इसीलिए उसको एक जनरल परसेप्शन में लाकर एक यूनिवर्सिटी कोर्स की तरह करना आज भी मुश्किल है। तभी हम जब कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से कला सीखी जाती है, वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि जब आप गुरु शिष्य परंपरा से कला सीखते हैं तो आप उसके मोनेटाइजेशन पार्ट से अपने आप डिटैच हो जाते हैं क्योंकि आप कला में इतना घुस जाते हैं। पर जब आप फीस देकर और 1 घंटे का क्लास करके जाते हैं तो आप ये कंपेयर करते हैं कि मैंने 1 घंटे के इतने पैसे दिए तो अब मुझे मिला क्या। मंजरी जी, आपने जेंडर और कॉन्फ्लिक्ट की बात करी और इसी से पनपा है आपका एक और प्रोजेक्ट जिसको आपने नाम दिया है कोर्टिजान प्रोजेक्ट, इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हम तवायफ और प्रोस्टिट्यूट एक साथ यूज़ करते हैं, हम उनको अलग नहीं कर रहे हैं। और ये हमें किसने बोला? बॉलीवुड ने हमको दिखाया, क्योंकि आपने बॉलीवुड में जो देखा, ना आपने तवायफ देखी ना मैंने देखी, बॉलीवुड ने आपको बताया, आपने वो मान लिया, क्या आपने उसे जानने की कोशिश करी? नहीं करी। फिर मैंने कोर्टिजान प्रोजेक्ट शुरू करा जिसमें कि पिछले अब ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं कि जितने ऐसे परफॉर्मर्स थे उनके बारे में, जितनी औरतें थीं उनकी स्टोरीज, वो क्या परफॉर्म करती थी, और तब मुझे ये दुख होता है कि उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है क्योंकि हमने औरतों को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी कि उनकी हिस्ट्री लिखी जाए। पर हिस्ट्री कौन लिख रहा था? मर्द लिख रहे थे, औरतें तो कभी लिखती नहीं थी। तो हमारे पास हिस्ट्री जो आज है, क्योंकि मुझे बहुत लोग पलट के ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं जी डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री में तो नहीं है। अरे तो डॉक्यूमेंट कौन कर रहा था? पेट्रियार्की डॉक्यूमेंट कर रही थी। उसने अगर देखा कि अरे वो बड़ी खूबसूरत थी, उसकी आँखें बड़ी खूबसूरत थी, तो वो वही लिखेगा। वो 10 साल से कोई राग भी सीख रही थी और गा रही थी जो शायद आपने नहीं देखा, आपने सिर्फ आँखें देखी और आपने सिर्फ आँखें डॉक्यूमेंट कर दी, तो आज हम 100 साल बाद सिर्फ आँखें देख रहे हैं। पर उसने 10-15 साल कोई कला भी सीखी होगी। आज मैं कलाकार हूँ या मेरे साथ जितने ऐसे क्लासिकल परफॉर्मर्स हैं जो ठुमरी, दादरा, गज़ल, कथक कर रहे हैं, हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए तवायफों का, क्योंकि ये आर्ट फॉर्म्स आज से 100 साल पहले तक सिर्फ तवायफें परफॉर्म कर रही थी और कोई नहीं परफॉर्म कर रहा था। तो हिस्टोरिकली तवायफें कौन थी ये कोर्टिजांस? परफॉर्मर्स थे, जैसे आज हम लोग परफॉर्मर्स हैं। अब आज हमें कौन पेट्रोनाइज करता है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ये बॉडीज हैं। पहले पेट्रोनाइज कौन करता था? नवाब साहब ऑफ रामपुर, नवाब साहब ऑफ हैदराबाद, नवाब साहब ऑफ कश्मीर, जो एस्टेट्स थी। तो दरबार में आर्ट होती थी, भाई दरबार ही तो स्टेट था। तो उसी दरबार में मर्द भी परफॉर्म कर रहे थे, उसी दरबार में औरतें भी परफॉर्म कर रही थी, पर मर्द को तो हमने उस्ताद बना दिया, तानसेन हो गए, और औरत को हमने बना दिया नारकली। आप समझ रही हैं कि काम, भाई काम तो दोनों ही आर्ट का कर रहे थे। ठीक है, कैलिबर अलग हो सकता है, आर्टिस्ट का कैलिबर अलग हो सकता है कि कोई कलाकार बहुत उम्दा होता है, कोई एवरेज होता है, वो अलग बात है, वो कला से है, वो जेंडर से नहीं है। आप जेंडर से नहीं डिफाइन कर सकते कि कला सही है कि गलत है, और हमने अनफॉर्चुनेटली जेंडर से इसको डिफाइन करा है। हमने औरतों को इस सिर्फ इस बेसिस पर, क्योंकि दे आर वेमेन एंड क्योंकि हमने अपने दिमाग में सोच लिया दे मस्ट हैव बीन एक्सप्लॉयटेड,
हमने उनको प्रोस्टिट्यूशन के बराबर कर दिया। अच्छा, तो तवायफ है बुरा शब्द नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। उर्दू से उसका रेफरेंस ढूंढा जाए और उसको देख, तो वो तवाफ वर्ड से सबसे क्लोज लगता है। तवाफ का मतलब होता है गोल घूमना, परिक्रमा करना। तो कहीं ऐसा लगता है कि तवायफें गोल गोल घूमती होंगी, तो वो तवायफ कहलाने लगे। तवायफ हो गया। मुजरा कोई बैड वर्ड नहीं है। मुजरा जो है वो एक, जैसे ठुमरी दादरा गज़ल है, ऐसे मुजरा होता था। मुजरा एक कॉम्पोजिशन होता था जो लिखा जाता था और डांस किया जाता था। बॉलीवुड ने हमें बता दिया आपको कि मुजरा इज़ अ बैड वर्ड, मुजरा गाली हो गई, तवायफ गाली हो गई। तो उस वजह से हमने उसको एक पूरा सेक्शन ऑफ विमेन को उससे एसोसिएट करना शुरू कर दिया, जिसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं थी। तो कोर्टेसान प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आप परफॉर्मेंसेस करती हैं, उनमें क्या खास बात रहती है? हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। यह 2019 है, पर 2019 में भी, आज के दौर में भी लोगों में इतना स्टिग्मा है कि तवायफ और बाईजी वर्ड वो नहीं सुनना चाहते हैं। उन शोज़ में क्या होता है कि भाई आप बहुत अच्छा डांस देख रहे हैं, आपने डांस देखा, उसके साथ एक 5 मिनट कोई आया, वो कहानी बता के गया कि वो कौन थी, उन्होंने क्या करा। प्री इंडिपेंडेंस एक तवायफ थी जिनका नाम था, मिस कज्जन कहलाती थी, फिल्म एक्टर थी वो बाद में, जहानारा कज्जन। वो लंदन में उनका फेस यूज़ किया जाता था फेस पाउडर के लिए। तो अंग्रेज़ी में ये सोच के वो फेस पाउडर लगाएं कि हम भी जहानारा कज्जन जैसे लगेंगे। सो शी वॉज अ सुपर स्टार, शी वॉज अ सुपर मॉडल, पर क्या आप और नोबडी नोज़ हाँ, उनको ज़िंदगी से हमने बिल्कुल हिस्ट्री से वाइप आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तवायफ की बेटी थी। तो ये चीज़ें जो हैं, हम ये कहानियाँ लोगों को परफॉर्मेंस के दौरान सुनाते हैं और फिर हम उनके तवायफों के जो गाने हैं वो लोगों को रिक्रिएट करते हैं उनके लिए, तो उनको ये पता चले। देखिए, जैसे उनको फिर ये पता चलता है कि जो उनके फेवरेट गाने हैं वो एक्चुअली तवायफों के गाने हैं। जैसे मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लियो रे, ये बनारस की बाई जी की ठुमरी है। हाँ, आप माधुरी दीक्षित ने अभी ये परफॉर्म किया, हमरी अटरिया आजा रे सांवरिया, ये तवायफों का गाना है, बेगम अख्तर गाती थी। तो आपको ये जानना कि जो गाने आपके दिल को छूते हैं, आपको बहुत पसंद हैं, वो किसके गाने थे। हाल ही में हमने आपकी जुगनी परफॉर्मेंस के बारे में भी सुना है, इसमें भी आप फीमेल असर्शन दिखा रही हैं। तो जुगनी क्या है? जुगनू से आया है जुगनी? जुगनी पंजाब में एक ऐसा कैरेक्टर है जो जुगनू से निकली है। जुगनू जो अपना फायरफ्लाई, फीमेल समझ लीजिए। और जुगनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहीं भी जा सकती है, उसके लिए कोई सोशल नॉर्म्स नहीं है। वो कहीं जा सकती है, वो कहीं बैठ सकती है। और जुगनी का ओपिनियन होता है स्पिरिचुअलिटी पर भी, इश्क मोहब्बत पर भी, सटायर पर भी, पॉलिटिक्स पर भी, इकोनॉमिक्स पर भी। तो जुगनी हर चीज़ पर बोल सकती है और कुछ भी बोल सकती है, और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि देखिए, एक बड़े पेट्रियार्कल सेटअप में हमारे पास एक वुमन कैरेक्टर है जो कुछ भी कर सकता है एंड हैज़ द फ्रीडम। और इंटरेस्टिंग सबसे मुझे ये लगा कि देखिए, जुगनी अगर औरतें लिख रही होती तो मैं ये मानती कि चलिए देखिए, वो चार दीवारों में बंद हैं तो उनकी एक इच्छा है कि मैं बाहर निकलूं इस चार दीवार से, तो मैं लिख रही हूँ। पर जुगनी तो आदमी लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आदमियों की सोच में जो एक औरत का रूप था वो जुगनी था। तो जुगनी को फिर हम लोगों ने मैंने उसको एक म्यूज़िकल की तरह बनाया, क्योंकि देखिए, बात मुझे लोगों तक पहुँचानी है। शायद मैं लेक्चर दूँ तो लोग ना सुने, पर अगर वो एक डांस म्यूज़िक सब हो रहा होता है, वो 1.5 घंटा बैठ कर मेरी बात सुनते हैं और उसमें मैं सारी बात कह देती हूँ। मंजरी जी, आप डांस को या आर्ट फॉर्म को स्टेज से वापस लोगों तक ला पाई हैं, जोड़ सकी हैं। हाल ही में आपने वृंदावन के एक मंदिर में, राधा मंदिर में आपने परफॉर्मेंस की थी और जो ऑडियंस थे वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। कैसा रहा ये ट्रांजिशन स्टेज से वापस लोगों के बीच आने का? जिस वजह से वो मैंने
ये वाला नृत्य में प्रोडक्शन करती हूँ जिसका नाम है वृंदावन प्रोजेक्ट, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लोगों को ये बताना होता है कि देखिए जेंडर हमारे यहाँ बहुत रिस्पेक्टेड है। अगर आप वृंदावन जाएं तो वहाँ पर कोई जय श्री कृष्णा नहीं बोलता है, सब राधे राधे बोलते हैं। क्यों क्यों एक फेमिनिन वजूद इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कृष्ण तक जाना है तो आपको राधा के थ्रू जाना है। आप राधा को बेइज्जत करके कृष्ण तक पहुँच ही नहीं सकते। वृंदावन में जहाँ मैंने परफॉर्म करा वो राधा रमन जी का टेम्पल है, और मेरे लिए पर्सनली ये पहली बार था कि मैंने कहीं किसी मंदिर में ऐसे परफॉर्म करा, बिल्कुल कहना चाहिए मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर सारे भक्त अगल बगल बैठे थे, वो सब सिर्फ भक्ति में लीन थे कृष्ण की। और मैंने वहाँ पर जो परफॉर्म करा वो राधा रानी के कॉम्पोजिशंस करे। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि जब वो दीवारें जो है ना वो अगर 500 साल पुराना, देखिए प्री अकबर का है तो 450-500 साल पुराना मंदिर है वो, तो वहाँ पर कितने लोगों ने उस दीवार को छुआ होगा, मत्था टेका होगा, कितने लोगों की भक्ति उसमें समा गई होगी। जो आज जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं उस एनर्जी को ड्रॉ कर रही हूँ उसमें से। वो अपने आप में एक बहुत मतलब उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि किस तरह की वो एक एहसास होता है और वो लोगों को भी फील होता है। मंजरी चतुर्वेदी जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके रूबरू बैठकर हमने आर्ट, कल्चर, सूफीज़म के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।